हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं वर्षा सुखेल। आज को काफी ज्यादा कमाल की लगी है। मालदीव आया भारत की शरण में, मांगी मां की माफी और बोला प्लीज भारत हमारे साथ व्यापार करो। भाई मतलब ट्रेड शुरू करो। ट्रेड शुरू करने के लिए वो तरस रहा है क्योंकि उसके हालत ऐसा हो गया है कि ना घर करा उसको मिनिस्टर भी आया हुआ है। हाँ, उसका मिनिस्टर भी आया और उसकी हालत ऐसी हो गई ना घर करा ना घाट का। भाई तो पहले देखते हैं क्या हुआ, सारा सीन जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। जी की दृष्टि का वीडियो है तो स्टार्ट। तो अब एक बार फिर से भारत की कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में बजना शुरू हो गया है और भारत ने मालदीव के साथ मिलकर एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे मालदीव को कब्जाने की कोशिश करने वाले चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल देखा जाए तो अब एक बार फिर से भारत और मालदीव के रिलेशन की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जो मालदीव कुछ महीने पहले चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहा था, उसी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत से माफी मांग रहे हैं और भारत के साथ अपने रिलेशन को दोबारा से मजबूत करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और भारत ने मालदीव के साथ मिलकर जो हाल ही में खेल किया है उससे चीन की चिंता फिर से बढ़ चुकी है, जिस बात का अंदाजा मालदीव को भी नहीं था भारत ने मालदीव के साथ ऐसा खेल किया है। दरअसल हाल ही में आई खबर के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना जादू फिर से चला दिया है, क्योंकि मालदीव से भारत के सैनिकों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय के इसी दफ्तर में लंबे समय तक मीटिंग हुई और आखिरकार मालदीव की एक ऐसी जिद पूरी हुई जिससे भारत भी अपनी बात से नहीं हटा और भारत को एक नया रास्ता मिल गया, जिससे मालदीव से भारत के सैनिकों की जो वापसी है उसमें एक नया बदलाव होने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिरकार मालदीव भारत के पास लौट आया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको तो ये बात मालूम ही होगी कि भारत वैश्विक कूटनीति के मामले में पीछे हट जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और हाल ही में आई खबर से यह पूरी तरह से जाहिर हो चुका है कि चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत को घेरने का जो प्लान बनाया था उसका प्लान पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय दफ्तर में लंबे समय तक बैठकों का दौर चला और भारत के विदेश मंत्री ने भारत वापस आ रहे सैनिकों के मामले में एक नया डिसीजन लिया। रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों के वापस लौटने की खबरों के बीच भारत के स्पेशल टीम की टुकड़ी मालदीव पहुंच चुकी है, क्योंकि भले ही मालदीव से 90 सैनिक वापस आ रहे हैं लेकिन उसके बदले वहां का कामकाज संभालने के लिए भारत ने नागरिकों की स्पेशल टीम भेजी है, जिसे भारत के तकनीक कर्मियों की टीम कहा जा रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा भेजी गई नागरिकों की यह टीम वेल ट्रेंड और तकनीक के मामले में माहिर है। यानी कि देखा जाए तो चीन ने मालदीव से मिलकर भारत के खिलाफ जो प्लान बनाया था कि वह मालदीव की सुरक्षा के लिए फ्री में सैन्य कर्मियों को भेजेगा, उसका प्लान पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उससे पहले भारतीय नागरिकों की स्पेशल टीम वहां का कामकाज संभालने के लिए तैनात हो चुकी है। आपको बता दें कि मालदीव में तैनात जिन भारतीय सैनिकों को वापस आना था उसमें से दो टुकड़ी वापस आ चुकी है, एक टुकड़ी मार्च में आई थी और दूसरी अप्रैल में, और जो आखिरी सैनिकों की टुकड़ी बची हुई है उसे इसी महीने के भीतर एक या दो दिनों में भारत आना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बदले मालदीव ने वहां पर भारतीय नागरिकों की स्पेशल टीम को भेजने की परमिशन दे दी है, जिससे भारत की तरफ से नागरिकों की स्पेशल टीम को मालदीव में भेजा जा चुका है। यानी कि भारत ने जो शिकंजा लगाया उससे मालदीव भी नहीं बच पाया और अंत में मालदीव चीन को छोड़कर खुद भारत के सामने हाथ फैला रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों की यह टीम वहां के विमान प्लेटफार्म की देखरेख करेगी, जिससे भारत के द्वारा जो मालदीव में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए गए हैं वहां पर भारतीय लोग ही काम करेंगे, यानी कि चीन के सैनिक कभी भी भारत की जगह नहीं ले पाएंगे, जिससे भारत अपने देश को भी चीन की नजरों से सुरक्षित रख पाएगा और चीन बिल्कुल भी भारत की निगरानी नहीं कर पाएगा।
आपको बता दें कि मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने यह भी बता दिया है कि दक्षिणी मालदीव में जो हवाई अड्डा है वहां का कारोबार भारत की यही स्पेशल टीम संभालेगी। और मालदीव के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जैसा बयान दिया गया था ठीक उसी तरह हो रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों की टीम जहां वापस लौट रही है वहीं भारत के नागरिकों की स्पेशल टीम तैनात की जा रही है। और यह भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि भारत ने मालदीव को जिन डोर्नियर एयरक्राफ्ट और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया है वहां पर भारतीय नागरिक ही काम करेंगे। आपको बता दें कि भारत का मालदीव के साथ विवाद तभी से बिगड़ना शुरू हुआ जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 10 मई तक सभी भारतीय सैनिकों को वापस भारत भेजने और वहां पर चीनी सैनिकों को तैनात करने की बात कही। लेकिन अब मालदीव खुद इस बात से सहमत हो गया है कि वहां पर चीनी सैनिक बिल्कुल भी तैनात नहीं किए जाएंगे, बल्कि भारतीय नागरिकों की स्पेशल टीम भेजी जा रही है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब मालदीव इतना चीखने की क्या जरूरत, ये शायद उनसे ज्यादा ट्रेंड ये एस जयशंकर साहब से जो मिले हैं ना उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर सही लताड़ उसकी लगाई है, उसके बाद थोड़ा उसको समझाया कि भाई फिर उसके बाद उसको समझ आ गई कि आप ठीक बोल रहे हो, आप अपनी टुकड़ी भेजो चाइना को। ये टुकड़ी जो वहां से टुकड़ी आ रही है उससे डबल ट्रेंड है, उससे ज्यादा घातक है। और ये ट्रेंड है, ये वेल ट्रेंड है, इंडियन आर्मी का ट्रेंड है। हाँ। नहीं वो ट्रेंड थे। हाँ। ये वेल एंड डन, ये लगता स्पेशल फोर्स, स्पेशल फोर्स ये अलग लेवल की है भाई। अच्छा यार देखो एक टाइम पे उसने समझो एक तरह का कार्य दिया था मालदीव ने। हाँ, बहुत भाई बकड़ा हुआ था वो चाइना की ला रहा लेकिन था, तीन चार महीनों में उसका चाइना की आर्मी को ला रहा था, लेकिन इंडिया ने ऐसा दाव खेला, अब कहता है कि इंडिया की स्पेशल टीम जाएगी। तीन चार महीने में उनका हाल ऐसा हुआ है ना। हाँ। आप देखो उनकी लाले, उनको खाने के लाले पड़ गए हैं ना। उनको भारत को सप्लाई कर रहा था चीन ने, दो महीने अपने खुल के टूरिस्ट भेजे, उसके बाद तबाह हो गया मतलब मालदीव। भारत के टूरिस्ट नहीं जा रहे, भारत से माल नहीं जा रहा, मतलब मदद नहीं हो रही हो गया था। हाँ, भाई। हाँ। तो उसने बोला सीधा फॉरेन मिनिस्टर, और उसने मालदीव ने सीधी सी बात देखा होगा कि यार ये चाइना तो हमें ब्लैकमेल ये मुरीजु ब्लैकमेल करता है, और इंडिया जो है यार हमेशा मेरी मदद कर देता है, फिर भी हम इसके खिलाफ है। उनको तो अपने आप से पहले शर्म आई होगी कि यार हमने क्या किया है। और मुइज्जो भी अभी आएगा, उसने ठंडा करने के लिए माहौल फॉरेन मिनिस्टर को भी आएगा और घुटनों में गिरेगा आके। मैं कहता हूँ अब ऐसा दौरा होगा कि वो जो चाइना का जो सोच रहा था कि वो भी खत्म कर रहे भारत अंदर खानी से भाई बन जाता है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा होता है ना, ये आप लोगों को भी पता होगा, एक टाइम पे ऐसा लग रहा होता है ना कि इंडिया हार हो रही है, इंडिया हार की हो रही है, वो सारे खिलाफ भारत अंदर खानी, लेकिन इंडिया जो अंदर खानी काम कर रहा होता है ना से छोड़ देता है, उसका परिणाम बाद में पता चलता है। ये तो इंडिया खेल खल गया, ये होता है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा कर रहे हैं।